राजस्व बढ़ोतरी के लिए हुई अधिकारियों की बैठक, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने लिया भाग, कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। राजस्व की बढ़ोतरी और उससे जुड़े कार्यों को गति देने के लिए कलेक्टर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर गौरव गोयल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं को जाना। और अजमेर जिले के सभी राजस्व अधिकारी, जिसमें सभी उपखंड अधिकारी, ACM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ADM के साथ राजस्व विभाग की रिव्यू बैठक की गई। लगभग 20 साल बाद रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन का अजमेर कलेक्टर का आज का इंस्ट्रक्शन रहा। सर ने ना सिर्फ जो इंस्पेक्शन करके रेवेन्यू का काम को गति देने के लिए निर्देश दिए, बल्कि राजस्व मशीनरी की ग्रास रूट लेवल की क्या समस्याएं हैं और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में सभी तहसीलदार और सभी अधिकारी से चर्चा की। बिल्कुल, काफ़ी जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनका काम तेजी से गति देने के लिए जो कुछ संसाधनों की आवश्यकता थी उनके बारे में सबको ट्रीट किया गया, और साथ ही एक सजेशन एक बार एक डिमांड की गई कि आजकल जो चारागाह जमीनों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है उसे अजमेर में प्रायोरिटी पे किया जा रहा है, तो उस कार्रवाई के दौरान कई बार ग्राम पंचायत से JCB आने में देरी होती है या संसाधन समय पर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए तहसील में ऐसे दिन मनाए जाए जिसमें JCB मशीन और कुछ जाप्ता होमगार्ड या कुछ सिपाही उपलब्ध हों, जिससे कि तत्काल इन पे कार्रवाई की जा सके। रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन साहब ने इसमें पॉजिटिव आया।